हेलो फर्स्ट क्लास, पहले हमने पढ़ा था अनुस्वार बिंदु, अब पढ़ेंगे चंद्र बिंदु। पहले कौन सा पढ़ा था हम? अंक वाला पढ़ा था ना, अनुस्वार बिंदु। अब हम पढ़ेंगे चंद्र बिंदु। जैसे ऊपर चंद्र बिंदु करके लिखते हैं ना कोई भी अक्षर, वो हम पढ़ेंगे। तो पहले तो हम इनको देखते हैं, बोलते हैं, ठीक है, फिर उसको आगे समझेंगे। पहला है ऊंट, तो बड़ा ऊ फिर चंद्र बिंदु, बड़ा ऊ लिखा हुआ है, फिर ये चंद्रबिंदु लगी हुई है, फिर है ट, तो ये हो गया ऊंट, तो ये चंद्रबिंदु के साथ पढ़ा गया। अगर ये चंद्रबिंदु ना हो तो ये ऊंट पढ़ा जाएगा, ऊंट नहीं होगा, न और ठ साथ में आ रहा है चंद्रबिंदु से, तो अनुस्वार से सिर्फ न आ रहा था, चंद्र से ठ भी आ रहा है, ठीक है ना, बड़ा न न ठ आ रहा है, ठीक है ना, ऊंट। फिर है व आ की मात्रा, बा फिर चंद्रबिंदु, फिर स उ की मात्रा, र बड़ी ई, तो बांसुरी। तो इसमें भी देखो चंद्रबिंदु आया ना, तो ये न पढ़ा गया है, आन है, आंसुरी, आंसुरी होगी ना, आ न हो गया ना पढ़ा, तो ये पढ़ा गया। फिर आगे है आँख, तो अ के आ की मात्रा, चंद्रबिंदु, ख आँख, तो यह आँख पर भी चंद्रबिंदु लिखा गया है। अगर चंद्रबिंदु ना लिखा जाता तो ये आँख ही पढ़ा जाता, आँख नहीं होता। ऐसे ही चांद, तो चांद पे भी चंद्रबिंदु लगा हुआ है। तो इस तरह से हम इनको आगे बोल करके पढ़ेंगे, कौन कौन से शब्द पे चंद्रबिंदु आता है और उनको कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। पहला शब्द है क पे चंद्रबिंदु, कांटा। मैं पे चंद्रबिंदु, माझी, माँ पे चंद्रबिंदु हो गया। आ पे चंद्रबिंदु, आँच। सा पे चंद्रबिंदु, सांप। झा पे चंद्रबिंदु, झांसी। सू पे चंद्रबिंदु, सूंड। बा पे चंद्रबिंदु, बांस। बू पे चंद्रबिंदु, बूंद। क कुआ, तो कुआ। आ पे भी चंद्रबिंदु, कुआं। टा पे चंद्रबिंदु, टांग। पू पे चंद्रबिंदु, पूंछ। पा पे चंद्रबिंदु, पांव। घू पे चंद्रबिंदु, घूंट। फू पे चंद्रबिंदु, फूंक। दा पे चंद्रबिंदु, दांत। ह पे चंद्रबिंदु, हंसना। आ पे चंद्रबिंदु, आंचल। चा पे चंद्रबिंदु, चांदनी। पहुंच, तो अगर ये चंद्रबिंदु नहीं होता तो ये पहुंच नहीं होता। तो इस वाक्य को पूरा करने के लिए इस पर हमने चंद्रबिंदु लगाया, तो ये बन गया पहुंच। ऐसे ही अंधेरा, अंधेरा पर भी अगर चंद्रबिंदु नहीं लगा होता तो ये होता अधेरा। अधेरा सही शब्द नहीं होता, अंधेरा होता है ना, तो अंधेरे के लिए हमने इस पर चंद्रबिंदु लगाया। तो ये हमने इसको बोल कर पढ़ लिया। अब हम क्या करेंगे, लिख कर बोल कर देखेंगे, ठीक है ना, लिखेंगे भी बोलेंगे भी। अभी हमने सिर्फ ओरल किया था, सिर्फ बोल कर पढ़ा था, अब हम लिख कर पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला शब्द है चांदनी, सुबह 5 बजे उठ। अब चांदनी पे चांद पे चंद्रबिंदु है, 5 पर पा पे चंद्रबिंदु है। चांदनी सुबह 5 बजे उठ, उठकर दांत साफ कर, तो इसमें दांत पर चंद्रबिंदु है, दांत साफ। अब आपको ये बोलते हुए यहाँ लिखना है, ठीक है ना, आपको ये चंद्रबिंदु का उपयोग करते हुए यहाँ पर शब्द है वो लिखने हैं, ठीक है ना। गाँव के कुएँ पर जा, अब गांव में देखो गा पर चंद्रबिंदु है, कुएं पर जा, तो कुएं पर भी चंद्रबिंदु है, लिखा कुएं पर भी चंद्रबिंदु है, तो इसको यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है। वहाँ से पानी भर कर ला, तो इसमें वहाँ पर भी चंद्रबिंदु है। तो इस तरह से हम चंद्रबिंदु का उपयोग करते हुए इन शब्दों को पढ़ते पढ़ते यहाँ पर लिखेंगे, इन लाइनों को पूरा करेंगे, तब आप समझ में आएगा कि हाँ हमने चंद्रबिंदु का उपयोग कौन कौन से शब्दों पर किया है, ठीक है। फिर आगे है अंक की मात्रा, अंक की मात्रा पढ़ेंगे। अह की मात्रा है, अंक की मात्रा तो हम पढ़ चुके हैं, तो अब पढ़ेंगे हम अह। आई खत्म होते हैं ना पूरे स्वर, तब आता ना अह, तो अब हम पढ़ेंगे अह। तो अह को ह पढ़ते हैं, ठीक है ना, जैसे अनुस्वार को न पढ़ते हैं, चंद्रबिंदु को न पढ़ते हैं ना, तो अह को ह पढ़ते हैं, अ ह पढ़ते हैं, ठीक है। अब इनको शुरू करते हैं, तो पहले देख करके पढ़ना है। पहला शब्द है नमः,
तो पहले नम लिखा हुआ है, देखो पहले न म, फिर अह की मात्रा लग गई तो ये हो गया नमः, है पढ़ा गया ना साथ में, अह की मात्रा लग गई तो, फिर छः, छः है पढ़ने के लिए हमें इस पर चंद्र ये अह बिंदु लगानी पड़ेगी, ठीक है। इसी तरह आगे पढ़ते हैं, बोलते हैं ताकि पता चले हमें कि कौन कौन से शब्दों के साथ अह प्रयोग होता है। भुव, तो भूव के पास अह की बिंदु लग गई, भूव के पास अह की बिंदु लग गई तो ये बन गया भुवा। पुनः, पुनः बिंदु अह की बिंदु लगी तो पुनः। स्वत, स्वत के अह का लगा तो स्वतः, अह फलतः। दुख, तप। निः संदेह, तो निः, निः संदेह है तो निः संदेह नहीं पड़े, निः ह है का उच्चारण होना चाहिए, निः संदेह। सनेह, सनेह, तो ऐसे तो सनेह सनेह हो जाता है पर इसमें दो बिंदु लगे अह के तो ये हो गया सनेह सनेह, अह है भी पढ़ेंगे। अंतपुर, तो ये अंत होता है, अंतपुर पढ़ने के लिए हमें ये अह की बिंदु लगानी है तो अंतपुर, तो ये हमारे अह के शब्द हो गए। अब आगे चलते हैं, इनको देखकर लिखते हैं, ठीक है ना, कौन से अह वाले, इनको देख देख के हम लिखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हाँ इस शब्द के साथ हमने अह शब्द अह का प्रयोग किया है, ठीक है। तो पहला है प्रातःकाल सूरज चमका, तो इसमें देखो प्रातः, प्रातःकाल सूरज चमका, तो यहाँ हम लिखेंगे इनको बोलते हुए तब हमें पता चलेगा कि हाँ प्रातः के त के साथ अह की बिंदु लगी हुई है, ठीक है ना। फिर है अगली लाइन, घड़ी में छः बज गए, घड़ी में छः बज गए, तो छः में भी अह लगी हुई है। स्वतः ही उड़ जाओ भाई, स्वतः में भी लगा हुआ है। दुख सभी कट जाए, दुख सभी कट जाए, तो ये अनुसार में अह बिंदु इसके साथ भी लगे हुए हैं, तो हम यहाँ पर इनको बोलते हुए लिखेंगे तो हमें ये अच्छे से समझ में आएगा और इसको हम अच्छे से करेंगे। और अगर आपको इनमें कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके आगे ये आपको समझ में आ गया होगा, अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछिएगा। ओके, थैंक यू।